किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप मेरी बगिया देख पा रहे हैं, ये जाल बिना हुआ है, तरोई चढ़ी हुई है, नेनुआ चढ़ा हुआ है, परवल भी है, तो सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे समावेश किया है एक साथ। जो किसान भाई अगर अपने केवल खाने भर के लिए खेती करते हैं या इसमें से कोई एक अच्छी क्रॉप लगा करके जिससे कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें और साथ साथ में आप इसमें से अपने खाने भर की सब्जी ले सकें, इस तरीके का एक मैंने मॉडल तैयार किया है। मॉडल में हमारे पास अभी परवल है, तरोई है, बोड़ा है, मूली है, पालक है, करेला है, तो कई सारी चीज़ों का समावेश मैंने यहाँ पे किया। हल्दी है, भिंडी है, खीरा है, सरपुतिया है, तो सारी चीज़ों का समावेश यहाँ पे मैंने कर लिया है। लेकिन यहाँ पे किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमने ड्रिप इरिगेशन भी लगाया है, फ्लड इरिगेशन भी किया है, मल्चिंग भी लगाया है, बिना मल्चिंग के भी लगाया है। तो कुल मिला के मुझे सारा चीज़ दिखाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकूं। मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूं कि हमने कैसे कैसे क्या किया हुआ है, और हमने करेला भी लगाया है जो कि बिल्कुल एकदम ऊपर लगाया है। तो चलिए हम आपको देर न करते हुए दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी हल्दी है, यहाँ पे काली हल्दी, देखिए काली हल्दी का फूल जो है आना शुरू हो गया, देखिए शुरू से ही फूल आता है। ये देखिए, ये हमारी काली हल्दी है, और यहाँ पे ये दो लाइन मतलब तीन लाइन से एक बेड पे है और दो बेड यहाँ पे बना हुआ है। ये हो गई मेरी हल्दी। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, देखिए ड्रिप भी लगी हुई है, मल्चिंग भी लगी हुई है। अब आप आगे आते हैं, ये देखिए परवल है हमारा, यहाँ से लेकर के परवल में देखिए छोटे छोटे फल भी आ चुके हैं, पूरा फल से भरा हुआ, लेकिन गर्मी होने के नाते उतना अच्छा अभी फल नहीं आया, मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो आ गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये नर्सरी डाली हुई है, ये है हमारी क्या बोलते हैं बैंगन की नर्सरी, ठीक है। ये बैंगन की नर्सरी आधे तक है, आधे के बाद में मैं अभी कुछ नहीं बोया हूँ, उसके बाद अभी कुछ बोऊँगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखना है पानी का, जैसे आपने बेड पे लगा दिया है, करेला लगा दिया, देखिए मेरा करेला भी चढ़ रहा है, ये छोटा छोटा पौधा है, अभी चढ़ना शुरू हो गया, देख लीजिए। ये अगर करेला थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों, तो हो सके तो यहाँ से आपने इसकी जो मुंडी होती है इसको काट देना है, इसको काट देना, हल्का हल्का सा काट देना। काटने से क्या होता है, 3G कटिंग की बजाय मतलब थोड़ा लेट सर्वाइव करेगा पौधा, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्रांचेस से भर जाएगा। ये है दोस्तों भिंडी, भिंडी में देखिए मैंने बेड पे लगाया, बेड पे लगाने के बाद में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए कि खीरा भी लग गया है, ये खीरा लग गया है, परवल भी है बीच में, लेकिन जहाँ जहाँ बीच है शॉर्ट टाइम का फसल है। ये देखिए हमारा परवल है, देखिए ये परवल आ गई एक डाल हमारे पास। ये सुबह सुबह इसको हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, सुबह का टाइम इस पर एक्सपेंड करते हैं, देखिए ये पूरा खीरा है, देखिए ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, पानी का जो सिस्टम है, अगर परवल लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, तो पानी एक साइड से परवल को मिलना चाहिए किसी भी हालत में। जैसे हम अगर नर्सरी ना सींचें तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से पानी हम दे देते हैं। फिर अगर भिंडी कभी नहीं सींचते हैं तो एक मूली, ये जो हमारी लगी हुई है, यहाँ पे पालक है, ये बेड पे हमने पालक लगाया हुआ है, ठीक है, नाली नाली से पानी दे दिया है, और यहाँ पे हमारा ये पालक लगा है, ये दो लाइन पालक है। यहाँ पे भी अगर इधर पानी नहीं दिया तो यहाँ पे पानी दे देंगे। अब आप आते हैं आगे, देखिए मैंने यहाँ पे बैंगन के लिए ये बेड बनाया हुआ है, देखिए लेटरल मेरी फैली हुई है, लेटरल लगा के मल्चिंग लगा के अभी इसमें हमें पौधा रोपित कर दूंगा 10-5 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ ध्यान देना है किसान भाइयों कि अगर आप ऐसा करते हो कि अगर इस पे भी आपने बैंगन लगा दिया, यहाँ पे भी आपने बैंगन लगा दिया, तो आपके लिए समस्या क्या होगी कि आपने लेटरल लगाया है तो लेटरल के साथ में आप यहाँ पानी नाली में जाने नहीं दोगे। अगर इस नाली में देखेंगे तो यहाँ पानी नहीं जाएगा, तो पानी ऊपर से आएगा, तो जो हमारी इस पे झाड़ पे जो पौधे लगे हुए हैं, परवल है, करेला है, जो भी है, उसको पानी उधर से मिलेगा अगर इस तरीके से क्यारी बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी क्यारी जो बनेगी वो बनेगी, चाहे धनिया बोएं, चाहे मूली बोएं, चाहे पालक। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए पावर टिलर खड़ा हुआ, इसकी जोताई हम एक बार कर चुके हैं, दो बार अभी हम इसकी घास बीन चुके हैं, फिर जोताई करेंगे, जोताई करके हम बेड बनाएंगे। यहाँ पे बेड बनाने के बाद ये बैंगन का हो जाएगा। फिर देखिए आपको बीच में ये हमने बोड़ा लिया हुआ है, ये बोड़ा है,
बूढ़ा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी नील गाय ने इसको खा लिया था, अब हमारा जो है नया पत्ता सर्वाइव करने लगा है, तो यहाँ पे अच्छा जो है हमको वो देखने को मिलेगा ग्रोथ, और अभी भी फल हमको अच्छा मिलता है। अब किसान भाइयों, यहाँ बूढ़ा हो गया, बूढ़ा के बाद में मुझे यहाँ पे बैंगन लगाना चाहिए था, लेकिन हमारा कुछ प्लान था कि ये खेत तैयार हुआ तो यहाँ पे हमने मूली, इसकी मूली की बिजाई कर दी है। अब मूली ये जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दो एक दिन में यहाँ से निकलने वाली है दोस्तों, क्योंकि बुआई करके हमको दो दिन हो गया है, हल्का हल्का एक अध में अंकुरण दिख रहा है, ठीक है। तो मूली तैयार है दोस्तों, सोमानी का हमने बीज बोया हुआ है, और यहाँ पे फिर देखिए हमारा परवल आ गया, परवल के बाद में हमने फिर लगाया यहाँ पे बेड पे क्या बोलते हैं मेल्चिंग पे, ये लगाया था हमने ग्वारफली। ग्वारफली का कंडीशन ये है कि इसको बिल्कुल एकदम गाय ने साफ कर दिया, नील गाय ने साफ कर दिया, तो इसमें हमने बुआई कर दी, फिर से दोबारा बुआई कर दी दोस्तों, और काफ़ी इसको डैमेज कर दिया है हमारा, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं रहने दो। अब यहाँ पे देखिए फिर हमारी क्यारी आई, अब यहाँ पे परवल आप देख पा रहे हैं, परवल हमारा अच्छा सर्वाइव किया हुआ है, यहाँ पर हमने सिंचाई कर दी इसकी जुताई करके। अब यहाँ पे फिर आएगा हमारा बैंगन, ठीक, बैंगन के बाद फिर इसमें आएगा कोई दूसरी चीज़ पालक वगैरह, फिर यहाँ पे बैंगन आएगा, फिर यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ आएगी, फिर वहाँ, मतलब क्या है कि जो पानी देने का सिस्टम क्या है हमारे खेत में, जो भी पौधा है उसको इतना ज़्यादा पानी भी ना मिले कि हमारा पौधा ख़राब हो जाए। और आपको चलिए यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए हमने किनारे, ये बिल्कुल किनारा है, यहाँ पे ऊंचे पे हमने लगाया करेला है, करेला हमारा सर्वाइव कर गया धीरे धीरे, ठीक है। अभी फल आए थे, इसमें फल तोड़ लिए गए हैं कुछ, अब फल आ जाए तो देखिए क्या है, मौसम बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताएं, ये बंधाई का तरीका देखिए, ये हमारा रस्सी है, आप सिल्वर वाली रस्सी है, बहुत टाइट रहती है ये, और ये देख सकते हैं ये नीचे ज़मीन में हमने यहाँ पे ईंटा का हुआ 2 फीट नीचे ले जा करके, और ये रस्सी है देखिए, ये रस्सी हमारी है, और इसको आप भरपूर टाइट कर सकते हैं, जितना अभी मान लीजिए ढीला हुआ है तो इसको देखिए, ये ढीला है, ये देखिए ढीला है, ये ढीला हुआ है तो टाइट कर सकते हैं इसको, क्योंकि मिट्टी गीली होती है तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर ईंटा कभी आ जाता है या रस्सी खिसक जाती है, तो थोड़ा जो है ढीला होता है। और इस तरीके से आप देखिए कि बाड़ लगी हुई है, और बीच में भी आप ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, मतलब डबल फायदा ले सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि तरोई चढ़ गई है, तरोई के देखिए बढ़िया फलन आया हुआ है सब में, अभी इसमें थोड़ा कम आया हुआ है। अब आप समझिए जो तरोई थी इसको नील गाय ने ख़त्म कर दिया था, ये देखिए एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, फल आ रहे हैं, फल बराबर इसमें जितने भी मतलब गवाह आ रहा है, देखिए ये फल जो है, ये देखिए फल लगा हुआ है, ये देखिए हर 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 गांठ में फल है, हर गांठ में भी, ठीक है, हर गांठ में फल इसमें आपको मिलेगा। अब इसके लिए आप क्या दवा इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं केवल नीम आयल इस्तेमाल करता हूं यहां पे, मैं कोई रासायनिक दवा नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि मैं स्वयं इन सब्जियों को अपने घर के लिए उपयोग में लेता हूं, अगर बाहर के लिए भी लेता तो भी मैं नहीं करता। अब आपको दिखाते हैं नीचे जो जगह बची हुई है, ये देखिए हमने चुकंदर लगाया हुआ है, देख सकते हैं ये चुकंदर, तो जहाँ जहाँ जो नीचे बीच में स्पेस बचा हुआ मिलेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ आप बिजाई कर सकते हो। बिजाई करने का फ़ायदा क्या, किसान भाइयों ये था मल्टी क्रॉपिंग का एक शानदार नमूना जो कि हमने तैयार किया है, और हमको तैयार करते करते समय लग गया है, क्योंकि हमने जनवरी में परवल लगाया था, परवल जब जर्मिनेशन कम हुआ तो फिर मैंने फरवरी में पौधे लगाए। इस पे मैं आपको कहूँगा कि जो हमारे ओमवीर सिंह जी हैं, आपको थोड़ा हो सकता है कि लगेगा कि महंगा पड़ता है, लेकिन जो जड़ें होती हैं वो 10 रुपये में शायद देते हैं, वो जड़ें अगर आप मंगाते हैं तो आपको प्लांटेशन के लिए उससे बेहतर कुछ भी है ही नहीं। आप नवंबर में थैलियों में प्लांटेशन करिए दोस्तों, खेत तैयार करिए परवल के लिए, और आप उस समय लगाइए जब आपको सर्वाइव करना, मतलब जनवरी में आप पौधे को रोपण कर सकते हैं, नवंबर से लेकर के नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत बढ़िया पौधा सर्वाइव होगा। बस ध्यान ये देना है कि अगर उसके लिए छोटा सा आप नेट हाउस बना दें,
और उसके अंदर कर दें तो ठंडी में ठंड नहीं लगेगी और धूप जो रहेगी तो धूप से उसका वाष्पीकरण होता रहेगा और पौधा आपका बहुत जल्दी सर्वाइव करेगा। जैसे कि अगर देखें तो ओमवीर सर बराबर दिखाते हैं सबको, तो इस तरीके से मल्टी क्रॉपिंग आप कर सकते हैं। परवल काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ऊपर हम करेंगे तो उस पर ज़्यादा बढ़िया परवल आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा दिल नहीं कहता कि ऊपर आएगा, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर जो इस पे आप हैंगिंग देख रहे हैं वॉल हैंगिंग, इस तरीके से जाल बनाइए। ये देखिए रस्सी भी नहीं हुई है, इस तरीके से अगर आप जाल बनाते हैं तो सबसे बेहतर रिजल्ट परवल का इस पे मिलता है। हमारे कई साथियों ने लगाया हुआ है और हम उनका भी अनुसरण करते हैं, अपना नया कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हम क्या कर से कैसे कर सकते हैं जो कि हमारे किसान हित में रहे। दोस्तों अब जैसे यहाँ पे देखिए कि ये नेनुआ है, तरोई है, ये नीचे आ गया, तो इसको आप नीचे मत जाने दीजिए, इसको कोशिश करिए कि इसको ऊपर चढ़ा दीजिए धीरे धीरे, लेकिन देख करके, क्योंकि हर गांठ में जो है फल होता है दोस्तों, हर गांठ में फल होता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चढ़ाते जाइए, ऊपर चढ़ता चला जाएगा, जब ऊपर आ जाए तो ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर चढ़ा दीजिए, फल लेते रहिए। आप ये समझिए कि हम अभी लगाए हैं इसको मई में लगाए थे, मई फर्स्ट में, लेकिन हमको जो है बिल्कुल सॉरी अप्रैल फर्स्ट में लगाए थे, मई फर्स्ट में नहीं, मई में तो हमको इसमें से फूल आना शुरू हुआ, लेकिन नील गाय ने बिल्कुल खा लिया। आपको दिखाते हैं नील गाय ने कैसे खाया था। देखिए ये पहले का पौधा, देखिए ये पहले का पौधा है, ये है, ये देखिए ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इसको हटा दिए हैं और हम इसको अब ऊपर चढ़ा दिए हैं, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। किसान भाइयों, छोटी वीडियो थी आपके लिए, लेकिन बहुत शानदार वीडियो है, इससे अगर आप कुछ सीखते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हमने यहाँ पे फर्टिगेशन के तौर पे हम आपको बता दें, जो हमारी भिंडी की फसल है, भिंडी की फसल को भी नीलगाय ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, हमने हेलीकॉप्टर डोज दिया। हेलीकॉप्टर डोज देने के बाद में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ, एक एक पेड़ में छः छः पेड़ हो गए, पाँच छः, तो मतलब पर डे हमको साइज़ थोड़ी छोटी ज़रूर मिलती है भिंडी की, लेकिन पाँच छः भिंडी मिलती, तो जहाँ एक मिलता था, अगर हम एवरेज आधे का लगाएं तो ढाई भिंडी तो हमको मिलती, पहले एक मिलता था ढाई गुना मिलने लगा। तो नीलगाय ने हमारे लिए अच्छा काम किया है, थोड़ा सा अगर देखें, अब पूरा बंद हो चुका है चारों तरफ से, तो नीलगाय कहीं से आएगी नहीं, पहले ये जब घेरा नहीं था, ऊपर से ये नहीं लगा हुआ था बांस वगैरह, तब यहाँ पे आ जाती थी नीलगाय वगैरह। किसान भाइयों, खाद के बारे में भी आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, कभी भी कोई चीज़ हो आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, हम आपके लिए सरल हैं, सुलभ हैं, और हम भी आपकी तरह किसान हैं। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ, और उसके बाद फिर आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ कि दोस्तों क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो ये रहा छोटा सा हमारा नमूना, अभी आप जब देखेंगे तो 15 या 20 दिन के बाद में तो यहाँ पे बहुत कुछ बदला नज़र आएगा। बैंगन हमारे अगर एक महीने के अंदर फ्लावरिंग स्टेज पे होंगे, क्योंकि बैंगन का प्लांटेशन मैं 2-3 दिन में कर दूंगा। यहाँ पे दो क्यारियाँ जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये वाली क्यारी और वो जो बेड बना हुआ है, वो दोनों का प्लांटेशन मैं कर दूंगा। उसके बाद जो आगे हमने दिखाया आपको, उसमें जब पानी हम देंगे तो तब देखेंगे कि क्या हो सकता है। हाँ, अगर इसमें आप, एक सवाल ज़रूर उठेगा आपके लिए कि मैंने कहा एक छोड़ के, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़िए, लेकिन जो ये बाड़ है आपकी, जो बेड है, इस पर भी आपको लेटरल लगाना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि अब हम लेटरल लगा दें इस पर, क्योंकि लेटरल लगाने का एक फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि हम जो बैंगन अगर लगाना चाहें तो हम पूरा लाइन, जो 5-6-7 लाइन हमारी बची हुई है, हम इकट्ठा उसको लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे पास, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो कि आप अगर करना चाहें, मान लीजिए आप यहाँ पे शुरू कर देते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, तो आपको समस्या का फिर समाधान नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो ज़रूर पूरी देखा करिएगा। नमस्कार, जय जवान जय किसान।